दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक कदम उठाए, वरना हमें अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। जस्टिस कॉल ने कहा कि अगर मैं बुलडोजर चलाऊंगा तो अगले 15 दिन तक नहीं रखूंगा। जस्टिस एस के कॉल ने कहा, हम चाहते हैं कि दिवाली की छुट्टियों से पहले सभी पक्ष मिलकर एक बैठक करें, हम इस समस्या का तत्काल समाधान चाहते हैं। कोर्ट ने कहा, यहां तक कि दिल्ली में बसों के जरिए होने वाले प्रदूषण का प्रतिशत भी बहुत बढ़ चुका है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या धान की फसल की बजाय मिलेट यानी मोटे अनाज उगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका प्रचार तो खूब हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि समस्या का समाधान या तो अभी कीजिए, नहीं तो अगले साल तक इंतजार कीजिए। अगले साल ये समस्या होनी नहीं चाहिए, इसके कड़े उपाय भी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि पंजाब की धान की फसल को फेज साइज बाहर किया जाए, केंद्र सरकार इसमें वैकल्पिक फसल यानी मोटे अनाज की फसल के लिए मदद करे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली के सीएम ने कहा कि एक सोल्यूशन विकसित किया गया, इसके छिड़काव से पराली खाद में बदल जाती है, फिर पंजाब सरकार इसका उपयोग क्यों नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से दो टुक कहा कि पराली जलाने की घटना बंद हो, यहां हर कोई समस्या का एक्सपर्ट है लेकिन समाधान किसी के पास नहीं। जस्टिस कॉल ने कहा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कितने बच्चे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। पंजाब सरकार के वकील से जस्टिस कॉल ने कहा कि हमें इसकी परवाह नहीं है कि आप इसे कैसे करते हैं, ये रुकना चाहिए। प्रदूषण पर राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती, केंद्र और राज्य में कौन सत्ता में है इसके आधार पर लोगों पर बोझ पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडीवन को लेकर बड़ी टिप्पणी की, शीर्ष अदालत ने ओडीवन स्कीम को दिखावा बताया है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, आप पहले भी ओडीवन सिस्टम ला चुके हैं, क्या यह सफल हुआ, यह सब सिर्फ दिखाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं, यहाँ राजनीतिक ब्लेम गेम को रोकें, यह लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है, आप इस मामले को दूसरों पर नहीं थोप सकते, आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पा रहे। यानी यहाँ पर पंजाब सरकार और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, और ये सब दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा आदेश यहाँ पर कोर्ट ने दिया है कि यहाँ पर सरकारें समाधान निकाले, वरना यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर भी चल सकता है।